हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड्स विटामिन स्किन ब्राइटनिंग होम फेशियल किट का रिव्यू, एंड इसका फुल डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप फेशियल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, इसके पीछे में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, एंड इस बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है सारी चीज़ें दिखाई हुई है। तो यहाँ पर मिल जाता है क्लिंजर, देन यहाँ पर है स्क्रब, उसके बाद आपको मिल जाती है नरिशिंग क्रीम, एंड उसके बाद में आपको मिल जाती है जो फेशियल करने की क्रीम होती है वो, एंड देन आपको मिल जाता है मास्क, एंड उसके बाद में एंड में आपको मिल जाती है ब्राइटनिंग क्रीम। तो कुछ इस तरीके से 6 ट्यूब्स आती है इस बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है काफ़ी डल लग रही है। तो इसके लाइव रिजल्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे जो भी डर्ट वगैरह है वो क्लीन कर ले रही हूँ। तो इस फेशियल किट की जो MRP प्राइस है वो 300 है, बट मैंने इसे डिस्काउंट में ही परचेज़ किया है, मैंने इसे 240 रुपीज़ में परचेज़ किया है, एंड आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इतने अमाउंट की क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर सिक्योर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी क्लिंजर। तो क्लिंजर की जो क्वान्टिटी है वो 20 ml है। तो इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड ब्राइट हो जाएगी, ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लिंजिंग ब्रश पे इसको ले रही हूँ एंड अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट तक इसे सर्कुलर स्ट्रोक में इस तरीके से यूज़ करना है एंड क्लीन करना है अपने फेस को, उसके बाद में वाइप ऑफ कर देना है। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे इस तरीके से मसाज करते हुए, अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। आप अपने फेस को धो भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्क्रब। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 12 ग्राम है। आपको कॉइन साइज स्क्रब लेना है एंड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करेगा, डेड सेल्स रिमूव करेगा, जो भी डर्ट है उसके रिमूव करेगा। तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई, लाइक क्लिंजर की स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड स्क्रब की भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन के ऊपर। तो इसे आपको 5 to 7 मिनट्स तक इसी तरीके से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। तो जब भी आप स्क्रब यूज़ करें तो मेन कॉन्सेंट्रेट आपको अपने फोरहेड पे, नोज़ पे एंड चिन पे रखना है, क्योंकि यहीं पर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं। तो बहुत ही जेंटली आपको अपने हैंड्स मूवमेंट रखने हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, बट मेरे हैंड्स की मूवमेंट जो है बहुत ही जेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ स्ट्रोक्स जो है वो आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से आप स्क्रब कर सकते हैं। एंड स्क्रब करते हुए थोड़ा सा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, नेक को अवॉइड मत करिएगा, नेक पे भी आपको अच्छी तरीके से स्क्रब करना है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। तो अब मैं अपनी फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। तो अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है तो इसके बाद में आप स्टीम ले सकते हैं, उसके बाद में इस तरीके से ब्लैक हेड टूल से आप रिमूव कर सकते हैं अपने ब्लैक हेड्स। मुझे वैसे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट थोड़ा सा इसे देख रही हूँ कि कुछ निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पर नोज़ के अराउंड एंड चिन के यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी इसे, बट मुझे कोई भी ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नरिशिंग क्रीम। तो ये नरिशिंग क्रीम के अंदर मल्टी विटामिन्स है जिससे आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी और जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता इस तरीके से मसाज करना है। तो इसकी जो स्मेल है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। तो जब तक ये क्रीम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो जाती स्किन में, इस तरीके से मैं मसाज करती रहूँगी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब हो चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही है मुझे मेरी स्किन अभी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ मसाज क्रीम। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 12 ग्राम है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे कि ग्लो आएगा, ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी क्वांटिटी ली है एंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन यूज़ करनी है। अपवर्ड स्ट्रोक्स आपको यूज़ करने हैं, डाउनवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड आप चाहें तो पानी भी इसमें ऐड करके मसाज कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत स्ट्रोक्स दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं एंड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखाऊंगी। तो इस फेशियल किट की जो क्वांटिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, लाइक 2 बार आप फेशियल कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर इस तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक्स आपको यूज़ करने हैं।
चिन पे इस तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं, देन यहाँ पर मैं स्माइलिंग लाइंस पे भी यहाँ पर मसाज कर रही हूँ। फोरहेड पे आपको फिंगर की हेल्प से इस तरीके से मसाज करनी है, राउंड सर्कुलर स्ट्रोक्स देने हैं। आप चाहें तो बीच बीच में पानी ऐड कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक आपको अपने माउथ के अराउंड लाइक स्माइलिंग एरिया वगैरह है, चिन है, वहाँ पर आपको मसाज करना है। एंड इस तरीके से फिंगर्स को फोल्ड करके अपवर्ड की तरफ इस तरीके से मसाज करें। एंड जॉलाइन पे भी इस तरीके से आपको मसाज करना है ताकि तो सारे जो स्ट्रोक्स है वो सेम ही है। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है क्रीम से। तो ऑलमोस्ट मुझे 10 टू 15 मिनट्स हो चुके हैं इससे मसाज करते हुए। अब मैं प्रेशर पॉइंट्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँगी इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से रब करना है जिससे थोड़ी सी वार्मथ आ जाए, एंड अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है। और इस तरीके से मैं बाहर की तरफ अपने फेस की स्किन को लिफ्ट कर रही हूँ। एंड आईज पे भी इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। एंड आईब्रोज को इस तरीके से मसाज करें एंड थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगेन यहाँ पर मैं अपने हैंड्स को रब कर रही हूँ एंड आईज को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी स्किन को आउटवर्ड की तरफ लिफ्ट कर रही हूँ। तो क्रीम जो है काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो चुकी है स्किन में। अब मैं यहाँ पर अपने फेस को क्लीन कर लूँगी अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगी मास्क, तो इसकी क्वान्टिटी भी 12 ग्राम है। इसे मैं अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो ये वीटा मास्क है, इसको आपको 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है। तो इससे आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, आपका कम्प्लेक्शन जो है वो रेडिएंट हो जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन है। तो देखते हैं किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे वाइप ऑफ कर दूंगी। तो मास्क हटाने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट, मेरी स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही है एंड क्लीन लग रही है। लास्टली यहाँ पर है ब्राइटनिंग क्रीम, तो इसकी क्वांटिटी भी 12 ग्राम है। बट बाकी सारी चीज़ें मुझे इस फेशियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बट मुझे ये ब्राइटनिंग क्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिकॉज ये आपकी स्किन पर वाइट कास्ट छोड़ देता है एंड आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील होती है। तो जिनकी स्किन ड्राई है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ये पसंद आएगी। बाकी सारी चीज़ें इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने ही की है, तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट है। आप बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। बट एंड में जो ब्राइटनिंग क्रीम है वो मुझे पसंद नहीं आई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अगर इस तरीके के वीडियोज़ आपको देखना पसंद है। See you in my next video. Till then, take care and bye-bye.